हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज हम आपके लिए कंप्यूटर सब्जेक्ट से एनसीओ ओलंपियाड वर्कबुक की प्रैक्टिस लेकर आए हैं। इससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट के 20 क्वेश्चंस को समझाकर सॉल्व करवा चुके हैं। आज हम देखेंगे चैप्टर वन के ही क्वेश्चंस 20 से आगे। चैप्टर वन जो है आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर चैप्टर पर बेस्ड है। तो आगे के क्वेश्चन 21 से हम देखते हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। ए सीपीयू प्रोसेस द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड थ्रू द इनपुट डिवाइस एंड देन पासिस द प्रोसेस रिजल्ट टू बी आउटपुट डिवाइस। आइडेंटिफाई द डिवाइस ऑन विच इट इज प्रेजेंट। इसमें से हम डिवाइस को आइडेंटिफाई करेंगे एंड लिखेंगे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। CPU is a processor which is placed on CPU socket available on motherboard. Question number 22. What is the purpose of CPU heat sink? Option A. It blow cool water onto the processor. B. It store energy created by the processor or power the computer. Option C. It dissipated heat from the processor and D. It keep the processor warm enough to function correctly. So correct answer is option C. It dissipated heat from the processor. Question number 23. Which of the following is and are the hardware interface to connect device to be computer? इनमें से कौन से डिवाइस से हम हार्डवेयर को कनेक्ट करते हैं? यूएसबी, फायर वायर, थंडरबोल्ट एंड ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। इन सभी के द्वारा हम हार्डवेयर इंटरफेस को डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट मे कम इन अ ड्यूल कोर वर्जन। इनमें से कौन से ड्यूल कोर वर्जन कंप्यूटर कंपोनेंट के हैं? VGA, CPU, SSD, PCI कार्ड। करेक्ट आंसर इज आंसर बी। ड्यूल कोर आइटम इज यूज्ड फॉर CPU दैट कंटेन्स टू एग्जीक्यूशन कोर फ्रॉम द कोर फॉर अ फिजिकल प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 25। ए एंड सॉफ्टवेयर अलाउ अस टू परफॉर्म स्पेसिफिक टाइप ऑफ जॉब्स एंड इज डिजाइन फॉर एंड यूजर। ऑप्शन इज सिस्टम कंप्रेशन बैकअप एंड एप्लीकेशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 26। Utility software are program designed to perform maintenance work on a computer system so that the system can function smoothly. Which among the following is our utility software? Option word processor software, 2 disk fragmenter, 3 antivirus software and 4 desktop publishing software. Option is both A and B. Option B, both 2 and 3. Option C, 1, 3, 4. And option D, 1, 2, 3, 4. So, correct answer is option B, both 2 and 3. Disk, defragmenter and antivirus software. Question number 27. What is CAD software used for? CAD software ko kis liye use kiya jata hai? Option A, developing computer programs. B, creating 2D and 3D models. C, editing digital photos. And D, editing digital video. So correct answer is option B, creating 2D and 3D models. Question number 28. Mozilla Firefox, Google Chrome and Apple Safari are all software. Option A, antivirus. B, web browser. C, video editor. Yeah, D, MP3 player. Correct answer is option B, web browser. Ye sare options web browser ke hain. Question number 29. A language processor is
AN that translate or convert a program written in a computer language into the machine language form so that it can be understood by a computer. इनमें से किस लैंग्वेज के द्वारा प्रोग्राम को रिटन में कन्वर्ट किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 29. अ लैंग्वेज प्रोसेसर इज ए एन डैट ट्रांसलेट्स और कन्वर्ट अ प्रोग्राम रिटन इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज फ्रॉम सो डैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर. इनमें से किसके द्वारा कंप्यूटर्स के लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज से कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है? ऑप्शन ए हार्डवेयर, बी एक्सपेंसेस कार्ड, सी सॉफ्टवेयर या डी डिवाइस ड्राइवर. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर के द्वारा इनके लैंग्वेज को कन्वर्ट किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 30. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. इनमें से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी वर्ड. वर्ड हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक्सटेंशन एमएस वर्ड के हैं. ऑप्शन डी. सो लोगो ऑफ द एमएस वर्ड विच इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एंड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. क्वेश्चन नंबर 31. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स माइट बी यूज टू सेंड एन इंस्टेंट मैसेज आई एम. इनमें से किस प्रोग्राम के द्वारा हम इंस्टेंट मैसेज दे सकते हैं? पेटीएम, यूट्यूब, डब्लू. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दिस इज व्हाट्सएप. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंड आर फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. इनमें से कौन सा फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का है? मेमोरी मैनेजमेंट, बी प्रोसेस मैनेजमेंट, सी फाइल मैनेजमेंट या डी ऑल ऑफ दिस. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस. ये सारे फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 33. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर डैट सपोर्ट ग्राफिक यूजर इंटरफेस. इनमें से कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा ग्राफिक यूजर इंटरफेस को सपोर्ट किया जाता है? ऑप्शन ए एमएस वर्ड, बी विंडो 10, सी एमएस डॉस या डी विंडो मीडिया प्लेयर. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी विंडो 10. फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड अमोंग दे ओनली सपोर्ट GUI. क्वेश्चन नंबर 34. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेज. इसमें से कौन डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेज है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी. दिस इज डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेज है. क्वेश्चन नंबर 35. व्हाट इज द सॉफ्टवेयर पैकेज. ऑप्शन ए एन एप्लीकेशन डैट कंटेंस वेरियस प्रोग्राम डैट शेयर द सेम लुक एंड फील. ऑप्शन बी अ सेट ऑफ डिवाइस डैट कम्स इन अ सेल पैक्ड. सी a program that is needed to start the computer and option D all of these. Correct answer is option A an application that contained various program that share the same look and feel. Question number 36. Match the functions of software in column 1 and their respective name given column 2. Column 1 and column 2 isko hame match karna hai. So column 1 and column 2, this software allow us to perform specific types of jobs and is designed for end user DTP software. B, this program lets you create document such as letter and report utility software. C, this package is used to design professional document like newspaper, magazine, book, etc. database management system. And D, this software help in the smooth functioning of the computer application software. And E, this software help us to arrange and store a large amount of information in an organized way. Word processor. इसमें से कौन से options हमारे सही answer होंगे? So correct answer is option A.
वन का फोर्थ हो रहा है, ए का हमारा क्या हो रहा है फोर्थ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दिस सॉफ्टवेयर यूज टू अलाउ अस टू परफॉर्म स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ जॉब एंड डिज़ाइन फॉर एंड यूज़र। कौन करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दिस प्रोग्राम लेट यू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स सच एज लेटर एंड रिपोर्ट। ये किस में हम बनाते हैं? वर्ड प्रोसेसर में, ठीक है। एंड सी, दिस पैकेज इज यूज टू डिज़ाइन प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट लाइक न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक एक्सेट्रा। ये हम किस में बनाते हैं? डीटीपी सॉफ्टवेयर में। सो सी का आंसर क्या हो गया? डीटीपी सॉफ्टवेयर। एंड डी में हो जाएगा, दिस सॉफ्टवेयर हेल्प इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, दिस इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एंड ई, दिस सॉफ्टवेयर हेल्प अस टू अरेंज एंड स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। सो ई का आंसर हो जाएगा थर्ड, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट फाउंड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स कन्वर्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रिसिटी इनटू प्रॉपर वोल्टेज एंड सप्लाइज इट टू अदर पार्ट इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। SPMS, hard disk, memory chip, sound card. So, correct answer is option A, SMPS. Switch mode power supply is an electric device that is used for managing the proper voltage. Question number 38. A printed circuit board is a rigid flat board that hold chip and other electronic components that are needed for a computer system, which among the following is RPCV? Motherboard, memory modules, network interface, इनमें से कौन से ऑप्शन होंगे? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 1, 2, 3, ये तीनों ऑप्शन इसके अंतर्गत आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, a microprocessor is a small that contain thousands of electronic component that store and process electronic instruction. Option A, software, chip, UPS and register. So correct answer is option B, chip. Microprocessor एक small chip होता है। Question number 40, which of the following device has a cylindrical drum called a photo रिसेप्टर। इसमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है सिलेंड्रिकल ड्रम जिसे कहा जाता है और जिसे फोटो रिसेप्टर कहा जाता है? ऑप्शन है डी, लेजर प्रिंटर। ये क्या है? लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर कंटेन ए फोटो रिसेप्टर विच इज अ कोर पार्ट ऑफ द लेजर प्रिंटर। डाटा टू बी प्रिंटेड इज स्टोर इन प्रिंटर्स मेमोरी एंड द लेजर बीन इन द पासेस ऑन द ड्रम to draw the letter and image that need to be printed using a toner. So बच्चों आज के लिए इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ पेरेंट्स इसे देखें और अपने बच्चों को ओलंपियाड एग्ज़ाम में या अदर CBSE 5th क्लास के बुक में क्वेश्चन को आप हेल्प करें। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो हमारा चैप्टर 2 पर ओलंपियाड के लिए देखना ना भूलें। थैंक यू।